विजयनगर थाना क्षेत्र में आज सुबह एक खड़ी गाड़ी में आग लग गई। आग लगने से गाड़ी में सो रहा चौकीदार जिंदा जल गया। सूचना मिलने पर निगम की दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने से गाड़ी पूरी तरह जल गई, पीछे खड़ी कार भी इसकी चपेट में आ गई। वहीं गाड़ी में शव नजर आया। जांच के बाद मृतक की शिनाख्त अदरशिला निवासी मुकरी उर्फ रफीक के रूप में हुई है। मृतक के शव को एम्बिस अस्पताल की मोर्चरी रूम में रखवाया है। मृतक के परिजनों का कहना है, रफीक टीवीएस शोरूम के पीछे गली में पुरानी गाड़ियों के चौकीदारी का काम करता था। कल शाम को वह काम पर आया था। इसके बाद देर रात को गाड़ी में आग लगने से ये घटना घटित हुई। मृतक के 5 बच्चे हैं। पारिवारिक हालात काफी कमजोर हैं। विजयनगर थाना अमरचंद एसआई ने बताया है कि घटना तड़के सुबह 2 से 4 बजे के बीच की है। बोटा मार्केट में रियाज का बॉडी रिपेयरिंग सेंटर है। एक स्कॉर्पियो रिपेयरिंग के लिए आई हुई थी। रात को मुकरी इस गाड़ी में सोया और अचानक गाड़ी की सीट में आग लग गई। आग लगने से पीछे खड़ी कार भी चपेट में आ गई। निगम की दमकलों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं घटना की जांच की जा रही है। घटना हुई, क्या करते थे जो जो इस घटना में वो हमारे जवाई जी थे, उनका नाम था मोहम्मद रफी, रफीक ही था। और हम सुबह हमें सूचना मिली किसी के माध्यम से कि भाई जहाँ पर वो 2 साल से चौकीदारी कर रहे थे, हवाई अड्डे के सामने जो टीवीएस शोरूम है उसके पीछे, उस शोरूम के पीछे जो कारें थी उनकी वो रात में चौकीदारी करते थे। तो हमारे को किसी ने सूचना दी कि भाई वहाँ 2-1 गाड़ी में आग लग गई और वहाँ पर आपके जो जवाई जी थे। तो हम जैसा हमें पता पड़ा हम वहाँ गए, वहाँ जाके हमने देखा तो वहाँ पर 1-2 गाड़ियाँ जली हुई थी। और रात को जो पुलिस वाले वगैरह आए थे, उन्होंने जो आग बुझा के जब देखा तो उस गाड़ी में एक बॉडी मिली। बॉडी वो हमारे जमाई जी की थी। स्कॉर्पियो टाइप की थी, उसमें आग लगी हुई थी और उस वो आग दूसरी गाड़ी में फैल गई थी। आग को देखते हुए तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित करते हुए मौके पर एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस ने आग पर काबू किया। आग पर काबू करने के बाद में हम लोग गाड़ी का अवलोकन किया तो पता चला कि उसमें कोई एक मनुष्य का जो जली हुई कंकाल टाइप का था उसको देखा। अवलोकन करने के बाद में उच्च अधिकारियों को निवेदन किया और मौके पे जेल साफ पड़ा रहे, एफएसएल टीम पड़ा रही। उसके बाद में लाश को एमबीएस चले गए जहाँ डॉक्टर साहब से चेक कराया तो मौत को करने के बाद अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई मोर्चरी में